हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आज पिछोर में भाजपा पिछोर मंडल की बैठक खोखे ग्राम पंचायत में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती इमरती देवी सुमन जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मोहन सिंह राठौर जी और भाजपा के विधानसभा के संयोजक आदरणीय श्री विपिन आनंद जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बूथ प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए और क्षेत्र की समस्याओं को जाना गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री हिमांशु परसेंडिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंशुल स्वामी, हरस्वरूप श्रीवास्तव, किशोरी लाल शर्मा, अशोक सोनी, अमरेश शर्मा, दीपक महापौर, राव पंचम सिंह, सुरेश सोनी, वासुदेव गुप्ता और आदि लोग उपस्थित थे। मंडल की मीटिंग थी, उपलक्ष्य क्या होता है, चुनाव है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं तो अपने लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से, जनता पार्टी के सभी लोगों से, पदाधिकारी नेताओं से, बड़े बुजुर्ग से अपनी पहचान और मिलने जुलने आए। अब आप कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आई हैं, तो आप किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आई हैं? जो हमारी जनता का विकास है उसके, उसी से हम कांग्रेस से लड़े थे, उसी विकास को लेकर हम भाजपा में आए हैं। चाहे हमें बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे लदेरा डैम हो, चाहे हमारे पिछोर में महाविद्यालय हो, चाहे डबरा में अस्पताल वाली बात हो, हमने मुख्यमंत्री से जो उजागर करी, मेरे जो काम होना है मैं जनता के विकास का काम करती।